है भाई, आप कितना पानी है नीचे। खतरनाक बिजली चमक रही है भाई, और यहाँ लग रहा है कुछ पानी खड़ा हुआ है। इस तरीके से बारिश में निकलना, एंजॉय करना मौसम को, ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है। यूनिवर्सिटी रोड पे तो हमें इतना पानी नहीं मिला था, बट ये अंदर की ओए होए होए, वहाँ आप चेक करें कितना पानी खड़ा हुआ है। और हर तरह की मुश्किल टफ सिचुएशंस में जो है वो बाइक ने प्रूव किया है कि बाइक 70 वगैरह वहाँ बंद हो जाती है, वो बारिश दोबारा तेज़ हो गई, ठीक ठाक तेज़ हो गई भाई। ओए होए 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 होए, बहुत पानी है भाई इधर, बहुत पानी है, थ्रू आउट पानी है। ओ हो 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 भाई, ये रक्षे के टायर भी पीछे लगाना पड़ेगा ताकि खड्डे का अंदाज़ा हो जाए। कोई एक्स्ट्रा एडवेंचर नहीं करना है जल्दबाजी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कराची का जो है वो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, और मैंने सोचा इस बारिश के मौसम में आपको कराची की सड़कों की सैर कराई जाए। तो अभी जो है वो 7 बज चुके हैं, नौकरी के करीब है, तो मैंने सोचा जितनी भी दिन की रोशनी मिलती है मैं उसमें एक ब्लॉग बना लेते हैं। और बारिश जो है वो ठीक ठाक हो रही है, इंजॉय भी कर रहे हैं, आपको कराची के नज़ारे भी दिखाएंगे। बचना भाई बचना भाई, अभी तक तो ये वाला जो रोड है सब्जी मंडी का फन स्क्वायर जो जा रहे हैं तो क्लियर है, अभी तक पानी खड़ा नहीं हुआ यहाँ पे। मगर ये कि आगे की पोजीशन देखते हैं क्या है, क्योंकि बारिश काफ़ी देर से हो रही है, तकरीबन आधा घंटा हो गया जब स्टार्ट हुई थी, तो बहुत तेज़ स्टार्ट हुई थी और अभी भी ठीक ठाक बारिश तेज़ है। ये आप सामने बूंदे पड़ते हुए देख सकते हैं, और मैं अपने जो है वो GoPro को लेके निकला हुआ हूँ। GoPro का फ़ायदा ये है कि वाटर प्रूफ होता है, तो वीडियो बना सकते हैं। माइक मैंने भी लगाया हुआ, आपको शोर भी आ रहा होगा बूंदों का भी और ट्रैफिक का भी, और इसको जितनी भी मेरी वॉइस कैप्चर हो रही है आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आज संडे का दिन है, लाली गेट मंडी भी कवर की थी आज, यहाँ पर पानी मिल गया काफ़ी। ये देखा भाई, ये देखा, अच्छा भाई बस अभी हम नीका पहुँचने वाले यहाँ पे, क्योंकि साइड में जो है वो ड्रेनेज है रेन वाटर की, तो ये जितना भी रोड का पानी है सारा ड्रेन में जा रहा है, तो अच्छा है नहीं, यहाँ पर पानी भी खड़ा हुआ अभी। वैसे भी जो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है वो अंदर की रोड की होती है, मेन रोड अक्सर क्लियर रहती है, या मेन रोड वो बनती है जहाँ स्लोप होता है। मगरिब भी हो गई, अजाने होने लगी है, कार्ड के निकास बना दिया है, गाड़ियाँ जो है फुल टाइम पानी फेंकते ही जा रही हैं ऊपर। वाह भैया, खतरनाक बिजली चमक रही है भाई, और यहाँ लग रहा है कुछ पानी खड़ा हुआ है। और पानी बहुत है, अभी खड्डा वड्डा ना हो बाकी सब खैर है, ना हो भाई पानी यहाँ पे बहुत है। चला भाई अलहमदिल्ला निकल गए, चलो भाई हम कोशिश करेंगे, देखें भाई इस पट्टी पे पानी ज़्यादा है, हम अंदर से निकलते हैं, मस्कन से निकलेंगे हम, और यहाँ क्या पोजीशन है भाई। भाई ये एक एडवेंचर है, इस तरीके से बारिश में निकलना, एंजॉय करना मौसम को, ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है। और बाइक चलाना तो मेरा शौक है, मैं इस पर कम्फर्टेबल होता हूँ बहुत, तो ये मेरे लिए तो किसी एडवेंचर से कम नहीं है। चलो तो बाइक मेरी इधर रिजर्व में आने वाली है, मगर पेट्रोल पंप जो है वो यहाँ का बंद पड़ा हुआ है। चलो तो भाई आगे से देखेंगे, कहीं
मैंने सोचा था निकल के पेट्रोल भरवा लूँगा, एक पेट्रोल पम्प निकल गया, याद नहीं रहा मुझे बातों में, अभी आया तो ये बंद पड़ा हुआ था। बाइक मेरी रिजर्व में चल रही है, आई रिजर्व में आ गई है, हमें खड्डों से बच के चलना है भाई, पानी में खड्डे नज़र नहीं आते। अच्छा भाई, अब हम मस्तन से डिस्को बेकरी वाले रोड पे आ गए हैं। इस तरफ बहुत पानी खड़ा हुआ है, यहाँ पे ये स्लोप है, ये जगह यहाँ बहुत पानी खड़ा हो गया, आप देख सकते हैं बाइक टूटी हुई है यहाँ पे। पूरी गाड़ियों के आधे आधे टायर डूबे हैं वहाँ पे, इस तरफ स्लोप है तो यहाँ पानी बहुत खड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी रोड पे तो हमें इतना पानी नहीं मिला था, बट ये अंदर की ओए होए होए, यहाँ आप चेक करें कितना पानी खड़ा हुआ है। वो वाली रोड क्लियर है, बेकरी वाले सिग्नल पे आ गए हैं। भाई जब चश्मे पे बूंदे पड़ जाती है ना, तो जो सामने से गाड़ी आ रही होती है ना, उसकी लाइट से फिर कुछ भी नजर नहीं आता। बार बार मुझे अपने ऐनक को भी साफ करना पड़ रहा है, बल्कि मैं सोच रहा हूँ ऐनक उतार ही दूँ। दोस्तों, अब ये वीडियोस का सिलसिला इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कंटिन्यू रहेगा, और अब आपके साथ इंशाल्लाह इस चैनल पे भी जो है वो एक रास्ता कायम रहेगा, और इंशाल्लाह ये बॉन्डिंग हमारी बढ़ती रहेगी। काम नहीं कर रहा, हम निकल जाते हैं, ये सिग्नल भी बड़ा लंबा बंद होता है। अच्छा भाई, चलो भाई, बाइक भी बंद हो रही है लोगों की। भाई बाइक के हवाले से कहूँगा, माशाल्लाह मेरी होंडा सिटी 150 ऐप ने बड़ा साथ दिया है माशाल्लाह, मंडी में भी और हर तरह की मुश्किल टफ सिचुएशंस में जो है वो बाइक ने प्रूव किया है कि ये मैं छोटे मोटे एडवेंचर्स के लिए इस बाइक को यूज़ कर सकता हूँ। अब ये समझ लें छोटा मोटा एडवेंचर ही है। क्या हो गया भाई, तुम इतनी बारिश में निकल लो, कभी तो निकले नहीं ऐसे। मैंने कहा इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स को भी जो है वो, अपने दोस्तों को भी नज़ारे कराएंगे कराची के बारिश में। बाद जो बारिश में तेज़ पकड़ी है, कंटिन्यूसली इसी में हो रही है, और इस वक्त जो है वो ट्रैफिक कुछ कम है क्योंकि आज संडे का दिन है और वर्किंग डे में ट्रैफिक ज़्यादा होता है। लोगों को
पोजीशन नज़र आ रही है, कुछ बादल जो है वो फट रहे हैं बरसने के बाद। इतफाक से मैंने अपनी बाइक का चंद दिन पहले वाटर प्रूफ कवर ले लिया था तो अच्छा हो गया। वाह भाई वाह, क्या खूबसूरत व्यू है। स्ट्रीट लाइट की जो है वो पानी पे जो लाइट पड़ रही है, बड़ा खूबसूरत शेड आ रहा है। ह्यूमन जो है वो अंदर की जो गलियाँ होती हैं ना उनमें पानी ज़्यादा मिलता है, रोड जो है वो ह्यूमन क्लियर होती है। रोड से ज़्यादातर पानी ऐसे जो कोने वाली जगह होती है ढलान वाली, वहाँ पानी जमा होता है, बट ये जो फास्ट ट्रेन जो है ना वो क्लियर होती है। और यही हुआ है अब तक जितना मैंने ट्रैवल किया, मुझे फास्ट ट्रेन जो है वो क्लियर मिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मेरा ये टूर हो गया, बाइक टूर छोटा सा, और काफ़ी इंजॉय कर लिया इसको। बाकी अब वापसी की तरफ जो है वो मैं चल पड़ा हूँ घर की तरफ। तो ये करीमाबाद से ग्रीन स्टार्ट हो गया है और ये यासाबाद तक जाता है 10 नंबर तक, 10 नंबर से भी थोड़ा आगे जाके उतरता है। ये काफ़ी बड़ा ग्रीन है, ये भाई बिजली की तरफ से चमक रही है और बादल जो है ना वो शाम से ही बड़े गहरे बादल आ रहे थे। अचानक जी मैं वीडियो एडिट कर रहा था लालीपेट मंडी की, तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, फिर थोड़ा बारिश में पॉज लिया। अरे यार बस लेके आए जा रहे हैं तो आता रही नहीं करना, मुझे जाना है राइट पे भाई, राइट पे जाना है, आ गए राइट पे। बहुत पानी भरा है ब्रिज पे भाई, ओए यहाँ पानी ज़्यादा खड़ा है। बाकी मार्केट में भी कुछ खुली रही है, और यहाँ से आप देखें पानी भरना शुरू हो गया है। आगे देखते क्या पोजीशन है, वो आगे जो ब्रिज है ना जो स्टार्ट होता है वहाँ बहुत पानी खड़ा होता है। अक्सर जो है वो छोटी बाइक 70 वगैरह वहाँ बंद हो जाती है। वो बारिश दोबारा तेज़ हो गई, ठीक ठाक तेज़ हो गई भाई। हाँ भाई यहाँ पे है कुछ पानी वगैरह, और देखें भाई यहाँ पे खड्डा भी है और इन्होंने यहाँ पे बांस वगैरह लगाया हुआ है। ये देखें भाई आप कितना पानी है नीचे, वो 70 के साइलेंसर देखें भाई डूब गए, 70 के साइलेंसर डूब गए। ओए मेरी बाइक को भी अच्छा खासा जो है वो प्रेशर आ रहा है, जो पानी हिलता है ना प्रेशर आता है भाई। इस वक्त सबसे ज़्यादा पानी जो है ना वो इसी पट्टी पे मिला है, छोटे से टुकड़े में। मैं आगे का ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगा था बारिश में, बस ये बाइक इतनी स्पीड में रखता हूँ कि अपने कंट्रोल में रहे और पीछे के ब्रेक से स्टॉप हो जाए। नदी आ गई है यहाँ, तो नदी भी फुल चल रही होगी भाई। खैर अभी फुल तो नहीं है, बट ये पानी काफ़ी चढ़ गया, ऊपर आ गया पानी। अब हम PIB की तरफ मोड़ रहे हैं, यहाँ पे बच्चे चलना है भाई, खड्डे हैं, ये खड्डे में चले गए। ओए 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 बहुत पानी है भाई इधर, बहुत पानी है, थ्रू आउट पानी है। ओए लकड़ी वाला कहाँ गया, चले भाई इनके पीछे ही चलना पड़ेगा, यहाँ से निकलते हैं। भीगी भीगी लकड़ी में भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ओहो भाई ये रक्षे के टायर भी पीछे लगाना पड़ेगा ताकि खड्डे का अंदाज़ा हो जाए, कोई एक्स्ट्रा एडवेंचर नहीं करना है जल्दबाजी में। भाई यही टिप्स होती हैं अगर आप बारिश में फंसे हुए हो, पानी हो तो आप जो आगे वाली गाड़ी के टायर के पीछे अपना टायर लगा दें, मतलब फासले पे,
ताकि आपको पता चल जाए कि अगर खट्टा वगैरह हो तो आप वहाँ से बच जाए।